आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने यह साबित कर दिया कि ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक बड़ी सोच, उद्देश्य पूर्ति के लिए पक्का इरादा और कभी न हार मानने वाले जज्बे की आवश्यकता होती है। मुसीबतें हमारी जीवन की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज की हमारी कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसके पास बचपन में दोस्तों के द्वारा दिए गए मुंबई जाकर काम ढूंढने के सुझाव के अलावा कुछ नहीं था। जेब में बिना फूटी कौड़ी के खाली पेट रहना और मुंबई के दादर स्टेशन पर सोने से ज्यादा तकलीफ देह अपनी पिता और भाई के कुछ दिन पहले हुए मौत के सदमे से बाहर आना था। ऐसी परिस्थितियों के बाद भी आज सुदीप दत्ता ने जो सफलता हासिल की है वो आज के युवाओं के लिए सच में बहुत प्रेरणा स्रोत है, जो परिस्थितियों को दोष देकर हार मानकर बैठ जाते हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से संबंध रखने वाले इस बच्चे के पिता आर्मी में थे। 1971 की जंग में गोलियां लगने के बाद वो अपाहिज हो गए थे और ऐसी स्थिति में बड़ा भाई ही परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण था। लेकिन आर्थिक तंगी के चलते परिवार बड़े भाई का इलाज न करवा सका और उसकी मृत्यु हो गई और उनके पिता भी अपने बड़े बेटे की मौत के सदमे में चल बसे। उसकी माँ उस बच्चे के लिए भावनात्मक सहारा जरूर थी, लेकिन उसके ऊपर चार भाई बहनों की जितनी एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। अपने परिवार की जिम्मेदारी अब उसके ऊपर थी। उसके बाद दोस्तों के द्वारा दिया गया सुझाव तब सही साबित हुआ जब उसे 15 रुपए की मजदूरी का काम और सोने के लिए एक जगह मिली। सोने की जगह एक ऐसे कमरे में थी जहां 20 मजदूर सोते थे। कमरा इतना छोटा था कि सोते वक्त हिलने की भी जगह नहीं होती थी। 2 साल की मजदूरी के बाद उसके जीवन में नया मोड़ तब आया जब नुकसान के चलते उसके मालिक ने फैक्ट्री बंद करने का फैसला किया। ऐसी कठिन परिस्थिति में नई नौकरी ढूंढने के बजाय फैक्ट्री खुद चलाने का फैसला किया और सन 1975 में अपनी अब तक की बचाई पूंजी और किसी तरह दोस्तों से उधार लेकर 16,000 रुपए इकट्ठा किए। फैक्ट्री खरीदने के लिए 16,000 की राशि बहुत कम थी, लेकिन सुदीप ने 2 साल का मुनाफा बांटने का वादा कर किसी तरह फैक्ट्री मालिक को मना लिया। सुदीप उसी फैक्ट्री का मालिक बन चुका था जहां कल तक वो सिर्फ एक मजदूर था। 19 साल का सुदीप, जिसके लिए खुद का पेट भरना एक चुनौती थी, उसने 7 अन्य मजदूरों के परिवार को चलाने की जिम्मेदारी ली। एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री उस समय अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। जिंदल एल्यूमिनियम जैसी कुछ गिनी चुनी कंपनी अपनी आर्थिक मजबूती के आधार पर मुनाफा कर पा रही थी। सुदीप यह जान गए थे कि बेहतर उत्पाद और नयापन ही उन्हें दूसरों से बेहतर साबित करेगा, लेकिन अच्छा विकल्प होने के बावजूद जिंदल जैसी कंपनी के सामने टिक पाना आसान नहीं था। सुदीप ने वर्षों तक बड़े ग्राहकों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में समझाना जारी रखा और साथ ही छोटी कंपनियों के ऑर्डर्स के सहारे अपना बिजनेस चलाते रहे। उनकी मेहनत तब रंग लाई जब उन्हें सन फार्मा, सिप्ला और नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। सुदीप ने सफलता का स्वाद चखा ही था, लेकिन उन्हें आने वाली चुनौतियों का बिल्कुल अंदेशा नहीं था। उद्योग जगत के वैश्विक दिग्गज अनिल अग्रवाल ने इंडिया फॉयल नामक बंद पड़ी कंपनी खरीदकर पैकेजिंग क्षेत्र में कदम रखा। अनिल अग्रवाल और उनका वेदांत ग्रुप विश्व के चुनिंदा बड़ी कंपनियों में से एक रहे हैं और उनके सामने टिक पाना भी नामुमकिन सा लक्ष्य था। लेकिन वेदांत जैसी कंपनी से अप्रभावित रहकर सुदीप ने अपने उत्पादों को बेहतर बनाना जारी रखा और आखिरकार वेदांत समूह को सुदीप की दृढ़ता के सामने घुटने टेकने पड़े और इंडिया फॉयल कंपनी को सुदीप को ही बेचना पड़ा। इस डील के बाद वेदांत समूह पैकेजिंग इंडस्ट्री से हमेशा के लिए विदा हो गई। इस उपलब्धि के बाद सुदीप ने अपनी कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाया और फार्मा कंपनियों के बीच अपनी एक पहचान बनाई। सन 1998 से 2000 तक उन्होंने 20 प्रोडक्शन यूनिट स्थापित कर दिए थे। आज सुदीप की कंपनी एसडी एल्यूमिनियम अपने क्षेत्र की नंबर वन कंपनी है और साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सूची में भी शामिल है। अपनी अभिनव सोच के कारण उन्हें पैकेजिंग इंडस्ट्री का नारायण मूर्ति भी कहा जाता है। आज सुदीप की कंपनी एसडी एल्यूमिनियम का मार्केट कैंप 1,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। जीवन में बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी सुदीप अपनी पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। उनकी फैक्ट्री के सारे मजदूर आज भी उन्हें दादा कहकर बुलाते हैं। उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों की सहायता के लिए सुदीप दत्ता फाउंडेशन की स्थापना की, जो ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए समय समय पर नए नए अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हम लोग अपने दुखों के लिए हमेशा आंसू बहाते रहते हैं और अपने अभावों को ही नसीब मानकर पूरा जीवन गुजार देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हालातों को अपना नसीब नहीं बनाते बल्कि अपना नसीब खुद लिखते हैं।